आज की वीडियो बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो है खून खराबा होने वाला है। طبعا الحجامة بتعتمد على حاجتين رئيسيين في العلاج. سفيل نہیں ہو رہا اتنا زیادہ بہت ہلکا ہلکا سفیل ہو رہا ہے درد. ما شاء اللہ خوشبو بڑی آ رہی ہے یار. اوہو یہ دیکھیں کمال ادھر آئے بھائی بسم اللہ ما شاء اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں ہوں زبیر ریاض مدینہ منورہ سے سب سے پہلے درود و سلام اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وآله وصحبه صلى الله عليه وسلم. आज की वीडियो बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो है खून खराबा होने वाला है, तो अगर आपको जो है खून के मनाजर देखने से कुछ दिक्कत है तो प्लीज़ आप भी, अगर आप बड़े भी हैं तो फिर आप भी मत देखिए, क्योंकि आज जो है मैं करवाने जा रहा हूँ हिजामा। हिजामा के बारे में बहुत ज़्यादा आप लोगों ने बातें सुनी हुई हैं, बहुत ज़्यादा जो है उसके बाज़ों का थकाई भी हैं और कुछ खुराफात भी हैं। आज जो है इन सब बातों का जायज़ा भी लेंगे और प्रैक्टिकली जो है मैं आपको हिजामा करवा के दिखाऊंगा भी सही, तो इससे जो है एक तो आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, दूसरा जो हमारे हासिदीन है अल्लाह पाक उनके शर से हमें बचाए, वो जो है हमारे जिस्म को जो है चीरे लगते हुए भी देखेंगे। लेकिन एक चीज़ अभी आप और भी नोटिस कर रहे होंगे, मैं गाड़ी में अपने बैठा हूँ लेकिन मैं खुद ड्राइव क्यों नहीं कर रहा, तो आज जो है इमरान भाई को मैंने साथ लिया है, बहुत शुक्रिया आपका कि गाड़ी जो है ये ड्राइव करेंगे जाते हुए भी, ताकि जो है मैं थोड़ी सी हिजामा के बारे में बात कर लूँ, टाइम कम है हमारे पास, मतलब उसका जो है इस्लाम में क्या मकाम है और उसके अलावा इलाज है, सुन्नत है, बहुत सी बातें हैं वो भी मैं करने वाला हूँ आप सबके साथ, और साथ ही में ताकि जो है जब हिजामा हो रही हो तो कोई ना कोई तो ज़रूर चाहिए जो कैमरा मैनी के जो है फ़राइज़ अंजाम दे। तो आज जो है नुस्खा या कुरआ जो है वो इमरान भाई के नाम का निकला है, तो थैंक यू एंड वेलकम। अगर वीडियो सही नहीं बनी तो इनके भी जो है ना हम 5-6 जो है हिजामे के कप लगवा देंगे, ठीक है ना? जबरदस्त, ठीक है, तैयार है, चले ठीक है। तो अच्छा हिजामा के हवाले से कुछ बातों के जो बहुत ज्यादा लोग, खासकर जो खुद हिजामा करते हैं ना, ऐसे लोग जो है बहुत ज्यादा खुराफात जो है आपको सुनाते हुए मिलेंगे। कुछ लोग कहते हैं हिजामा सुन्नत है, कुछ लोग कहते हैं कि हिजामा लाजिम करानी चाहिए, कुछ लोग मतलब इसके बारे में बहुत सी बातें हैं। तो भाई सीधी सी बात है, जिस तरह प्यासे को पानी की ज़रूरत होती है हिजामा भी इसी तरह है। अगर आपको कोई तकलीफ़ है किसी जगह पे, कोई बीमारी है, तो उसकी वजह से जो है आप हिजामा आपको करानी चाहिए। लेकिन ऐसे ही आप हर महीना जो है उसको करवा रहे हैं या वगैरह, तो इसके हवाले से कोई ऐसी मुस्तनद बात नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर शिफा है या मतलब आपके लिए जो सबसे बेहतरीन इलाज है वो हिजामा है, मिश्रत महजम मतलब के जो चीरा लगता है ना हिजामा करते वक्त उसके अंदर है, और आपकी जो है शहद के अंदर, मतलब जो शहद आप अगर हम आप शहद खाते हैं या पीते हैं उसमें शिफा है, और उसके अलावा आप उसमें कई बोलते हैं जो गर्म चीज़ से जिस्म को नहीं जलाते, जिससे जो है वो रगें वगैरह या ऐसा कुछ सिस्टम होता है उसको कई बोलते हैं। तो उस इन तीन चीज़ों के हवाले से जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इन तीन चीज़ों में शिफा है। तो मेरा कुछ मसला चल रहा है कुछ दिनों से, यहाँ पीछे जो है यहाँ मतलब जो इसको क्या बोलते हैं, कांधे बोलते हैं ये जो कांधे, जी कांधे कांधे, ये जो मेरे कांधे हैं ना शोल्डर, इनकी जो है मुझे यहाँ पे पेन है कई दिनों से। मतलब मैं सफ़र पे था ना कुछ अर्सा पहले, 2-3 दिन पहले सॉरी, जब हम गए हुए थे तबूक, तो वहाँ पे क्योंकि ख़ास किस्म का सरहाना मेरे पास था नहीं, तो बाहर हम कैंपिंग में ही सोए हैं, तो उसकी वजह से जो है मुझे तब से यहाँ पर पेन है। तो इसीलिए जो है मैं हिजामा करवाने जा रहा हूँ, ना कि एवें ही अपनी सोच से। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि इससे शिफा मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती। जैसा कि आप शहद खाएं तो लाजिम नहीं है कि आप जो है अपनी जो भी आपको बीमारी है उससे आपको सेहत याबी मिल जाए, तो ये वैसा ही है। बाकी इसके बारे में मतलब फजीलत भी आई है कि अगर आप अपना इलाज करवाएं तो इलाज के लिए आई है फजीलत, ना कि एज अ सुन्नत या एज अ मतलब है कि दावत के तौर पर कि आप इसको जो है जाके करें तो सवाब मिलेगा। इमरान भाई का एक सवाल है, ज़रा आप खुद ही बोलें। मैंने यानी लोगों से सुना है, एक जगह हजामा कराने गया था कराची में पाकिस्तान में, तो वहाँ पे मैंने उनसे सुना कोई ताक रातों का कोई चक्कर है और सुन्नत है ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजामा का बोला है और इन ताक रातों में हजामा कराने का बोला है, तो उसके बारे में कुछ बताएं कि ये क्या है, सुन्नत है नहीं, ये क्या है? अच्छा, इसके हवाले से जो मतलब अहादीस वारिद हुई हैं सही बुखारी ने उनको नहीं लिया, ठीक है,
आप किसी भी दिन हजामा करा सकते हैं, कोई खास दिन इसके मुतालिक जो है वो नहीं है, इल्ला कि अगर इसके ऊपर अभी जो है रिसेंटली कोई रिसर्च हुई हो कि वाकई इन दिनों में जो है खून की कुछ ज़्यादा होती है। प्लीज़ कमेंट्स जब आप करेंगे तो आप सुनी सुनाई बातों पे मत कीजिए। अगर वाकई आप मतलब है कि आपकी कोई सर्च है या आपने किसी यूनिवर्सिटी की सर्च पढ़ी है किसी डॉक्टर की, तो तभी बात कीजिएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुझे याद है दो मरतबा हिजामा कराया। एक मरतबा जब आप सर में तकलीफ़ थी, आप सफ़र में थे आए थे उस वक्त, मुझे सही याद नहीं है लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा ही था, तो तब जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर का जो है हिजामा कराया, सर का सही है। दूसरी मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जानवर पर सवार होने लगे तो आपका पाँव जो है जैसे मुड़ नहीं जाता सम टाइम, तो वो तकलीफ हुई। जैसे मतलब सम टाइम जो है ना आप जैसे फुटबॉल खेल रहे हो कुछ भी, बाज़ औक़ात आपको वो खींच जाती है, चढ़ जाती है, तो उस वक़्त जो है आप सरासर ने अपने पाँव मुबारक में जो है हिजामा कराया था। यहाँ पे साइन करवा रहे हैं कि आपने साइन करना है कि आप अपनी मर्जी से हिजामा कराना है, हिजामा तो नहीं सॉरी हिजामा आपको कैसे? बहुत अच्छा लगा, ये थोड़ा अजीब था। भाई साहब ने कराया हुआ है? हाँ, मैं यहाँ से आया हूँ, अमेरिका से आया हूँ, कंप्यूटर से काम करता हूँ। अभी तो दौड़े लगी हुई है, वापसी का पता नहीं क्या है। انشاءالله اول مره عملتها بك؟ لا عملت قبل كده زمان. في نقطه سكر؟ لا. تاخذ ادويه للسيوله؟ لا. مدخن؟ لا. طيب انت سيجارت بيتها ولا ايه؟ ضغط عين؟ ايوه ايوه طوف؟ ايوه واثنين اسفل، اثنين اسفل صح؟ نعمل. استاذ زكي محلق جزء من الشعر. طيب. طبعاً الحجامة بتعتمد على حاجتين رئيسيين في العلاج. تيسوك تطلع سموجة جو هنا هلك هلك سدار في لورا. بسم الله. خفيفة جداً. عشان مفيل نهي ورا اتنا زيادة. بوت هلك هلك سفيل ورا دات. بوت هلك. ये थोड़ा है तब दर्द नहीं है, जस्ट जलन, हाँ फील है। आप फिर मिंटस कर इधर बिल्कुल या सलाम नहीं شوفك الله وعافيك الله يعافينا وياك الف سلامه على حضرتك خلصنا خلصنا خلاص كل ما عليك ان انت تذكر الله وتدعي لنفسك وتقول اللهم انت الشافي نشفيك شفاك نيچے سے اب دیکھتے ہیں زبیر بھائی سے کو سوال کرتے ہیں اور پوچھتا ہے کہ کیا فیل ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کا زبیر بھائی ہے او میں جب ہنستا ہوں تو جو ہے نا وہ درد ہوتا ہے اچھا کیا فیل ہو رہا ہے यार वो खींच जैसा होती है ना कोई चीज़ आप जैसे वैक्यूम नहीं करते आप सफाई करते हैं ना हाँ। वैसे कोई चीज़ जैसे खींच रही हो आपको अभी तो वो वैक्यूम हो रहा है ना सारा वो सर में ज्यादा हो रहा है फील بس مره تعب تعبك مره احنا دقيقتين بالظبط مشينا احنا دلوقتي بنعمل حاجه اسمها تنشيط ايوه عشان لو في اي حاجه تخرج مع الشحبه الثانيه كده تمام अच्छा ये ब्लड कम आई है तो ये अभी दोबारा उसको पंप करके गए हैं लेकिन जुबैर भाई को जो यहाँ वाला है ये ज्यादा तकलीफ दे रहा है जी जुबैर भाई अब बताएं यार अच्छा है? ये मैं उठूंगा तो तब पता चलेगा फिलहाल तो मेरे नसें जो हैं वो खिंची हुई हैं बिल्कुल ये दोबारा जब पुश करके गया है हाँ। उसमें क्या फील हो रहा है बांध के गया है मुझे वो बगैर रस्सी के हिलना मुझसे नहीं हो रहा क्या
बर्फ है क्या है? स्प्रे इसमें क्या ठंडा फील हो रहा है? जलन हो रही है तो फिर फील होगा। ये कोई फासिद खून नहीं होता, बल्कि जो भी खून अगर आप इस तरह निकाल के उसको इस तरह के एनवायरमेंट में रखेंगे ना, वो जम ही जाएगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है ना फासिद खून निकालता है जिस्म से, ये बात ठीक नहीं है। अगर इंसान के जिस्म में फासिद खून हो तो इंसान जिएगा कैसे? कुछ और हिकमत दूं? ये बहुत है मेरे ख्याल में, बहुत है। अगर और आपके पास मालूमात है तो मालूमात तो है, लेकिन ये अब आप लोग जो साहिब इल्म है वो कमेंट्स में तायीद भी करेंगे इस चीज की। तो ये था हमारा एक्सपीरियंस। एक कप जो है आई थिंक 23 रियाल का है विदाउट टैक्स मेरे ख्याल से। तो अभी नीचे जाएंगे तो पता चलेगा कितना जो है वो हुआ है। आगे शुक्रान, एक गिफ्ट मिला है भाई। भाई सब्सक्राइबर एक जो है बढ़ गया है हमारा यार रियाज। अच्छा कुछ लोग जो कहते हैं ना कि आपको जो है ना चकरा के गिर जाएंगे, ये हो जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वैसे ही अच्छा है जूस जो है कुछ मीठा ले लेना चाहिए इस सब के बाद, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा खून निकला है। चलो मैं 2 दिन के बाद एक और वीडियो बनाऊंगा और इसमें अपना रिव्यू दूंगा कि ये जो मुझे तकलीफ थी क्या मुझे उससे फ़र्क पड़ा है कि नहीं पड़ा, जो मेरे कानों में और इधर जो गर्दन में थी ना तकलीफ, इसके बारे में इंशाल्लाह मैं मतलब कि 2 दिन के बाद एक और व्लॉग बनाऊंगा कि इसका मुझे क्या फ़र्क हुआ या नहीं हुआ हिजामा का। नंबर वन तो ये एक्सपीरियंस था हिजामा का। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आया होगा। अभी जो है इमरान भाई कह रहे हैं कि भाई इतनी खून जो है हमने क्या किया है, ज़ाया किया है। ज़ाया नहीं कि मतलब खून निकला है, तो कहते हैं अभी जो है मंदी की दावत दी है। जी बिल्कुल, तो चलते हैं मंदी खाने के लिए। और जुबेर भाई ने इतनी मेहनत की है और उनकी काफी एनर्जी जो है निकल गई है, तो वो एनर्जी वापस लानी है। चले वैसे ये बहाना है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि कोई ऐसा मुझे फील बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन हमने दावत कबूल कर ली है। कि वैसे भी स्टेयरिंग इनके पास है, कहीं भी जाके ब्रेक लगा सकते हैं। जी इस वक्त जो है हम पहुंच चुके हैं अपना मंदी के पास, तो आइए आप सबको मंदी दिखाते हैं। मंदी आपने चिकन ऑर्डर करनी है कि लहम? चलो बिस्मिल्लाह करें करें करें। इतना लहम मंदी। अच्छा अदीन अबुर मवाहिद एवं ودينا واحد جريش واحد ايه صغير واحد قرصان اوكي وفي ربع شواية ادينا نص مضغوط ايوه زياده طيب بسم الله مندي تو نہیں ملی عمران بھائی برما آ گیا اي بسم الله ما شاء الله خوشبو بڑی آ رہی ہے یار زبردست بسم الله اوہ یہ قرصان ہے ये मेरे बहुत पसंदीदा गिजाएं हैं दोनों चावलों के साथ। लग रहा था कि दलिया है। अच्छा मुझे नहीं पता उर्दू में क्या कहते हैं, लेकिन शायद मुझे लगता है दलिया टाइप है। ओहो ये देखें कमाल इधर आए भाई, बिस्मिल्लाह माशाल्लाह। इसका सूप जो है ना बड़ा कमाल का है, इसको बोलते हैं शोरबत बुरमा। अयवा जबरदस्त माशाल्लाह। इमरान भाई अगर कल दोबारा हिजामा कराने आऊं फिर भी ये मिलेगा इंशाल्लाह आपके साथ है। जबरदस्त यार ये वाकई जो है ना मतलब है कि ताकत देने वाली गिजाएं। पहले जो है सूप से ही शुरुआत करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जायका मैं बताऊंगा क्या क्या है जायके में से। ओए 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 या सलाम। नमक, प्याज, लहसुन और गोश्त का जो जायका यहाँ पे इसमें मिला हुआ है ना, क्या बात है उसकी। यहाँ पे आई थिंक मदबूत है, मुझे फील हो रहा है ऐसे। बिस्मिल्लाह बिल्कुल ये मदबूत आ गया भाई। और ये जो है यहाँ पे चावल होंगे सादा, ये देखें रुस पिशावरी। ये गोश्त देखें कैसे पिघल के हाथ में आ गया, देख रहे हैं। या एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ मैं आपको, ये देखें कैसे अलहदा अलहदा हो रही है। ज़बरदस्त चावल मज़ा करते हैं
गुरसान ठीक है, जरीश भी आ जाए। ये देखें क्या कमाल है यार, ज़बरदस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब नहीं है, सवाल भी नहीं बनता इस खाने का। कैसे खाना? ज़बरदस्त। मैंने भी टेस्ट किया, आप टेस्ट करके नाज़रीन को भी बता रहे, मैंने अपने हिसाब से टेस्ट किया, लेकिन आखिर से जो हाँ जो ये जो मिल यहाँ पे मिला है ना, दूसरी जगहों पे ऐसा नहीं मिलता। ये स्पाइसी है थोड़ा, स्पाइसी है थोड़ा, जैसे हम खाते हैं जैसे हमें चाहिए वैसा है तकरीबन, टेस्ट सारा बेहतर है माशाल्लाह। चले भैया हम खाना इंजॉय करते हैं, आप लोगों से गुजारिश है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मज़ीद वीडियोज़ के लिए। हाँ एक बात और, हिजामा के बाद गोश्त खाना लाजिम नहीं है, ठीक है।